आप नेचुरल, बहुत मुश्किल होता है बॉडी को अपडेट करना नेचुरल डाइट प्लान के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही जितने लड़के तैयार किए हैं, आपको पता है नेचुरल डाइट प्लान के साथ ही मसल छोटे होते हैं लेकिन वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। करना जैसा कि आपको पता है अभी WNBF का टीम गई हुई है दुबई में इंग्लैंड के बाद, तो ओलंपिया में भी जो लड़के जीतेंगे इंशाल्लाह वो भी आगे बाहरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। पीछे ही हमारी फ्लेक्स पर ही है हुसैन भाई की, तो उनकी भी इस तरह ही फिजिक थी। लेकिन डाइट प्लान आपको पता है मेंटेनेंस कैलोरीज हर चीज़ कैलकुलेशन होना बहुत ज़रूरी है, फिर ही आप आज अपनी बॉडी को डेवलप कर सकते हैं। ये इसलिए आपको दिखाया जा रहा है, 4 महीने बाद भी इंशाल्लाह जब दिखाएंगे आपके सामने ही होंगे, इंशाल्लाह इस जर्नी को कैरी ऑन रखेंगे। जी गाइस, वर्कआउट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब मैं उस्मान भाई आपको फिजिक दिखाऊंगा। 3 माह तो इन्हें हो चुके हैं लेकिन अभी हम स्लो एंड स्टडी के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि पुराने टाइम पे ये बड़े अच्छी इनकी फिजिक रह चुकी है, नेचुरल बॉडी बिल्डर थे ये, लेकिन बुला तो काम के वजह से, आप दबाव को पता है कोई आसान काम नहीं होता बॉडी को मेंटेन रखना। तो काफ़ी अर्से के बाद दोबारा से ट्रेनिंग ज्वाइन किया और हमारा जो है एक टारगेट है नेचुरल प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करना, इसलिए ज़्यादा बड़े मसल नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में नहीं होते। कुछ लोग मजाक बनाते हैं कि यार लड़के छोटे नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो सेहत के लिए आप ज़्यादा बेहतर है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है नेचुरल में, 2 घंटे आपको मेहनत करनी पड़ती है ट्रेनिंग में। जो मेडिसिन है उसे आप आधा घंटा भी ट्रेनिंग कर लेते हैं लेकिन मसल ज़्यादा अच्छे प्रिपेयर हो सकते हैं। ये जो आपकी बॉडी नेचुरल डाइट प्लान के साथ बनेगी वो आपके साथ लॉन्ग टर्म लेके उसको आप आसानी से चल सकेंगे और बीमारी से भी बच सकेंगे। चलिए अब आसमान भाई के हम आपको फिजिक दिखाते हैं, तो इस टाइम कहाँ तक जो है ना ये आ चुके हैं। तो उस्मान भाई को भी डाइट प्लान दे दिया गया ये, लेकिन ये खुद भी बड़े डाइट कॉन्शियस है, अपनी डाइट इन्होंने मेंटेन रखी हुई है। तो आपके सामने इनका फैट लेवल, तो जितने भी आगे पार्ट आएंगे मैं लेके चलूंगा आपको, एक एक माह की इनकी जर्नी आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, ताकि आप भी यकीन कर सकें कि सैन भाई की तरह हर बंदा बॉडी को अपडेट कर सकता है अगर वो अपना डाइट प्लान ठीक रखे। मैं मोस्ट मुश्किल से मैं बहुत मारे जरा दोनों मुठ्ठी, ये दोनों मुठ्ठी ऐसे करके ना, ये थोड़ा सा आगे आ जाए बस, यहाँ पे मुठ्ठी यहाँ पे बस, ये अभी मैं इनकी 4 मंथ पहले की कंडीशन आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद 4 मंथ जब इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे कॉम्पिटिशन के लिए वो भी दिखाऊंगा। डबल बाइसेप करें, बहुत बाइसेप इनका माशाल्लाह बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये इनका प्लस पॉइंट है, शाबाश माशाल्लाह। अब शोल्डर पोज करें थोड़ा सा, शोल्डर भी अच्छे हैं इनके, बस यहाँ पे थोड़ा सा आगे बस यहाँ पे, ज़्यादा क्लोज ना करें बस यहाँ पे, बैक डबल बाइसेप पे आ जाए। लोअर बॉडी को भी टारगेट किया अपने, अपर बॉडी आज ट्रेनिंग नहीं की, अपर बॉडी ये कर चुके हैं अपने वीक पे, जो आज ट्रेनिंग था वही हमने करके दिखाया आपको, शाबाश ठीक है इंशाल्लाह आसा आसा अपडेट हो जाएंगे। बल्क में यही कंडीशन होती है। अब ट्राइसेप का पोज मारें ऐसे दोनों हाथ होल्ड, जी बाजू इनका माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप देख सकते हैं, डबल बाइसेप भी और ट्राइसेप भी दोनों बड़े अच्छे हैं इनके इस टाइम, शोल्डर भी अच्छा है। बाकी ये हमारा जो इनर पार्ट है इस पे अभी काम होने वाला है, चेस्ट काफ़ी बेहतर हो चुकी है, लेकिन डे बाय डे आपको पता है जब सुपर सेट ड्रॉप सेट करेंगे और डाइट प्लान जब तो रमजान के बाद थोड़ा सा और चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह और चेंजेस नजर आएंगी। चलिए सामान भी पहन लें, थोड़ा सा पीछे के लिए जी देख लें आप, माशाल्लाह लेग्स लेग्स भी इनकी बहुत अच्छी है, पाँव खोल के थोड़ा ऐसे बोल मार नीचे बैंड करें, बैंड कर लेता हूँ ये बस यहाँ थोड़ा आगे आ जाए, आप देख लें माशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी जो लेग्स वर्कआउट किया है आपको लेग्स भी दिखा देंगे, साइज अच्छा है इंशाल्लाह, इसको कटिंग करने में हमें आसानी होगी, साइज में हम मुश्किल नहीं होगी, साइज पहले ही हमारे पास।